205वां अध्याय भीष्म पंचक व्रत। अग्निदेव कहते हैं अब मैं सब कुछ देने वाले व्रतराज भीष्म पंचक के विषय में कहता हूँ। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये व्रत ग्रहण करें। 5 दिनों तक तीनों समय स्नान करके 5 तिल और यवों के द्वारा देवता तथा पितरों का तर्पण करें, फिर मौन रहकर भगवान श्री हरि का पूजन करें। देवाधिदेव श्री विष्णु को पंचगव्यों और पंचामृत से स्नान करावे और उसके श्री अंगों में चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का आलेपन करके उसके सम्मुख द्रुत युक्त गुग्गल चलावे। प्रातःकाल और रात्रि के समय भगवान श्री विष्णु को दीपदान करें और उत्तम भोज्य पदार्थों का नैवेद्य रूप समर्पण करें। व्रति पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवा इस द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें। तदनंतर द्रुत सिक्त तिल और जौ का अन्न में स्वाहा से युक्त ओम नमो भगवते वासुदेवा इस द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करें। पहले दिन भगवान के चरणों का कमल के पुष्पों से, दूसरे दिन घुटनों और शिष्ट भाग दोनों उरुओं का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन नाभि का भृंगराज से, चौथे दिन बाण पुष्प बिल्व पत्र और जपा पुष्प द्वारा एवं 5वें दिन मालती पुष्पों से सर्वांग का पूजन करें। व्रत करने वाले को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी को गोमय, द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को दधि, चतुर्दशी को दूध और अंतिम दिन पंचगव्य का आहार करें। पूर्णमासी को नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। श्री भीष्म पितामह इस व्रत का अनुष्ठान करके भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए थे, इसी से यह भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री हरि का पूजन किया था, इसलिए ये व्रत 5 उपवास आदि से युक्त है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में भीष्म पंचक व्रत का कथन नामक 205वां अध्याय पूरा हुआ।